डीजीपी पी के अग्रवाल की बात करें या फिर जो सीआईडी चीफ है उनकी बात करें यहाँ पर हम, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं आलोक मित्तल जी, उनसे इस एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरी ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ अगर हम बाहर के नज़ारे या फिर ग्लास की भी अगर हम बात करें, तो अपने आप में एक आधुनिक तकनीक जो है वो इस ट्रेन को जहाँ बाहर से देखते हैं, वहीं अंदर आने के बाद भी इसका अनुभव जो है वो पूरे तरीके से किया जा सकता है। पूर्णतः वातानुकूलित ये ट्रेन है और किस तरीके से इसका पूरा अनुभव जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जो सीट्स है अपने आप में आधुनिक सीट, या तो जो बड़ी जो वॉल्वो बसेस हैं या फिर जो प्लेन है उनके अंदर आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। पीके अग्रवाल साहब से जानेंगे, सर किस तरीके का अनुभव जो है आप अपने तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, आप भी उनसे चलते हैं, कैसे देखते हैं? अभी तुरंत ये ट्रेन चंडीगढ़ से चली है और हम लोग अभी इसमें तुरंत इसमें सवार हुए हैं। बड़ा सुखद अनुभव है। एक तो निर्माण का जो स्तर है, जो कोटि है, बहुत उच्च कोटि का है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, बहुत सुख सुविधाओं से लैस है, गति भी बहुत अच्छी है, लेग स्पेस भी बहुत है, कुल मिला जुला के बड़ा सुखद है। अब आगे देखते हैं और सब लोग, हम लोग जो है बहुत आभारी हैं कि ये सौगात जो है वो हमें मिला है। और चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी काफ़ी कम हुई है, लोगों को बहुत सुविधा होगी, इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय के और रेल मंत्री महोदय के और सारे विभाग के सभी अधिकारियों के जो भी इसमें रहे हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया एक सुविधा हमें प्रदान किया, सबके लिए बहुत आभारी हैं और सब बधाई के पात्र हैं। और सर कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जिस कोच के अंदर अभी हम मौजूद हैं, ये ऑर्डिनरी कोच जो है वो इसका एग्जीक्यूटिव कोच जो है वो इससे भी ज़्यादा जी, बट अच्छा है ये भी देखने का अवसर मिला। और खुद में ये ऑर्डिनरी कोच होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव की तरह है जो बाकी ट्रेन्स का होता है। तो एग्जीक्यूटिव को भी देखेंगे, वहाँ का भी अनुभव प्राप्त करेंगे थोड़ी देर में। सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं।